क्या आप इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली अपलोड तो कर रहे हो बट आपका रीच और एंगेजमेंट डेड है और आपके फॉलोअर्स भी ग्रो नहीं हो रहे। आई नो इंस्टाग्राम पे एंगेजिंग कंटेंट को क्रिएट करना और ऑडियंस को डीपली एंगेज रखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसका सोल्यूशन है मेरे पास। इस वीडियो में मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 6 ग्रोथ हैक्स रिवील करूंगा जिससे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपको बस 10 मिनट लगेगा इनको फॉलो करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी सिर्फ 10 मिनट डेली डेडिकेट करके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सकते हो, नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हो, ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकते हो, रील्स को फास्ट एडिट और अपलोड कर सकते हो। ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे मेरा टाइम बहुत सेव होता है येट मैक्सिमाइजिंग माय रीच एंड एंगेजमेंट। ये इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स काफी इजी, इफेक्टिव और प्रूवन है टू गिव यू रिजल्ट्स। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपका कोई और फ्रेंड भी इंस्टाग्राम पे स्टक है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो कि आपने डिसाइड किया कि मैं आज एक रील अपलोड करूंगा, बट जब अपलोड करने का टाइम आया आपके पास कोई आइडियाज ही नहीं है कि रील्स किस पे बनाए। एज अ क्रिएटर आपको ये तो पता है कि इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली अपलोड करना काफी इंपॉर्टेंट है, बट कंसिस्टेंट कंटेंट आइडियाज कहां से ढूंढे, और वो भी एवरेज आइडियाज नहीं, विनिंग वायरल आइडियाज। इसका सिंपल येट इफेक्टिव सोल्यूशन है जिसको सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा। आपको अपने नीश के 5 सिमिलर क्रिएटर्स के प्रोफाइल पे जाना है और चेक करना है कि उनके अकाउंट में कौन सा कंटेंट वर्क कर रहा है। सपोज उनके रील्स के एवरेज व्यूज 5000 है और कोई एक दो रील्स में 100 के व्यूज है, मतलब दैट्स द हाई परफॉर्मिंग कंटेंट। आपको बस उनके पेज पे हाई परफॉर्मिंग कंटेंट पे फोकस करना है। अब वो एक दो रील पे व्यूज ज्यादा है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जांपल, हाई क्वालिटी वीडियो, गुड एडिटिंग, गुड ट्रांजिशन, क्रिएटिव फॉन्ट्स, रिलेटेबल कंटेंट, विजुअली ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग, ट्रेंडिंग ऑडियो एक्सेट्रा। आपको बस उन 5 क्रिएटर्स के टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट को स्टडी करना है, कॉपी नहीं। यस, आई सेड स्टडी एंड नॉट कॉपी। आपको उनके हाई परफॉर्मिंग कंटेंट आइडियाज को अपने कंटेंट में इंटीग्रेट करना है इन योर ओन यूनिक वे। अब डेली बस 5 से 10 मिनट के लिए आपके फेवरेट फोटोग्राफर्स, ब्लॉगर्स या क्रिएटर्स के प्रोफाइल को एक्सप्लोर करो। आपको कभी कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं रहेगी। उनके कंटेंट, उनके स्टोरी टेलिंग, उनके पर्सपेक्टिव से आपको नए आइडियाज मिलेंगे। शायद आपको एक नया टेक्निक मिल जाए जिससे आप अपने कंटेंट को डिफरेंट वे में शूट कर सकते हो। एक प्रो टिप, आप वंस इन अ वाइल उनका प्रोफाइल चेक करो जो आपके नीश में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, एज अ फोटोग्राफर आई चेक नॉन फोटोग्राफी अकाउंट्स टू गेट सम इंस्पिरेशन एंड यूनिक आइडियाज। इंस्टाग्राम पे अभी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड दिस इज हाउ यू स्टैंड आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होते जाएगा। आप अपने माइंड में ही आइडियाज को फिल्टर कर पाओगे कि ये आइडियाज अच्छी है कि नहीं। बट मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे खाली स्क्रोल मत करते रहना टाइम पास के लिए। जस्ट फॉर 10 मिनट्स डेली स्क्रोल टू स्टडी। इस टेक्निक से आपको कंटेंट आइडियाज तो मिल जाएगी, बट क्या आप इंस्टाग्राम से अर्न करना चाहते हो? आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक यूनिक टूल से, सोशल पाई। सोशल पाई एक अल्टीमेट गिव अवे मैनेजमेंट टूल है जो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म गिव अवेज होस्ट करने का चांस देता है और उससे अर्निंग्स भी जनरेट कर सकते हो। यस, सोशल पाई के साथ आप अपने गिव अवे से अर्न कर सकते हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो भी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर किया जाता है। और सोशल पाई की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए उनका विनर सिलेक्शन टूल भी बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही अर्निंग भी करना चाहते हैं तो सोशल पाई आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। मैंने खुद ने अपना फर्स्ट यूट्यूब 100 के स्पेशल गिव अवे सोशल पाई पे होस्ट किया था जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अगर आप भी चाहते हो तो स्टार्ट अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, देन सिंपली रजिस्टर एंड होस्ट योर फर्स्ट गिव अवे ऑन सोशल पाई। एंड गेस व्हाट, एज अ बोनस सोशल पाई विल गिव यू अप टू 5000 रुपीज एज गिव अवे रिवॉर्ड क्रेडिट व्हेन यू होस्ट योर फर्स्ट गिव अवे। मैंने सोशल पाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर चेक करना। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपकी रील्स वायरल जाएगी या नहीं उसमें मेजर हाथ ट्रेंडिंग ऑडियो का है। ये सबको पता है कि वो जो छोटा एरो है ऑडियो के आगे उसका मतलब है कि वो ऑडियो ट्रेंडिंग पे है। बट क्या आपको सारे ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करना है? नहीं, आपको कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो पे क्लिक करना है और चेक करना है कि उस ऑडियो पे कितनी रील्स बनी है। अगर उस ऑडियो पे 5000 से कम रील्स बनी है तो उस पे रील्स बनाओ। बेसिकली आपको स्पॉट करना है अर्ली ट्रेंडिंग ऑडियो को, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि अगर वो ट्रेंडिंग ऑडियो पुराना है, मतलब उस पे ऑलरेडी 10000 के ऊपर रील्स चुकी है, तो मेरे रील के वायरल जाने का चांस बहुत कम है। मैं खुद इस टेक्निक को एवरी अल्टरनेट डे यूज करता हूं। जब भी मुझे रील्स अपलोड करना होता है मैं रील्स टैब पे जाता हूं एंड आई जस्ट स्क्रॉल एंड चेक ट्रेंडिंग ऑडियो जिस पे भी लेस देन 5000 रील्स बनी है और वो ऑडियो मेरे वीडियो के साथ मैच हो रहा है, मैं उसको यूज करता हूं। मुझे हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है टू स्पॉट अर्ली ट्रेंडिंग ऑडियो। एक बार आपने आइडियाज को ढूंढ लिया, ट्रेंडिंग ऑडियो को भी चूज कर लिया, अब आते हैं हाउ टू एडिट रील्स फास्ट।
क्या आपको रील एडिट करने में बहुत टाइम लगता है? मैं आपको एक ऐसे सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि आप अपने रील को सिर्फ 5 मिनट में एडिट कर पाओगे, और उसके लिए आपको वीडियो को शूट भी नहीं करना है। मुझे ये टेक्निक से एक रील में 900K+ व्यूज मिला है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक हॉरिजॉन्टल फोटो। इसको मैं फ्री ऐप VN वीडियो एडिटर में एडिट करूंगा। आपको ओपन करना है ऐप, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एड अ हॉरिजॉन्टल फोटो, चेंज द एस्पेक्ट रेशियो टू 9:16, अप्लाई फिल, एड जूम, मूव लेफ्ट, इंक्रीज द ड्यूरेशन टू 10 seconds, बिकॉज इसमें सारे ट्रेंडिंग ऑडियो आ जाते हैं। अगर इस पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो अभी कर सकते हो। एक्सपोर्ट, और आपकी रील रेडी। कितना सिंपल और इजी था। इसको मुझे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। मैंने एक वीडियो बनाया ऑन हाउ टू एडिट 30 रील्स इन 3 आवर्स। उसमें ऐसे ही फास्ट और एफिशिएंट एडिटिंग टेक्निक्स को मैंने रिवील किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट लेटर। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली लाइक द वीडियो। एक बार आपने कॉन्टेंट को अपलोड कर दिया, अब आते हैं टाइम इंटरेक्शन पे। एक पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए आपके ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कमेंट्स और DMs पे टाइमली रिप्लाई करने से आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। मैं डेली Instagram पे मेरा कराउजल पोस्ट या रील अपलोड करने के बाद 10 मिनट एक्टिव रहता हूँ टू रिप्लाई टू कमेंट्स, DMs एंड कमेंट ऑन अदर क्रिएटर्स पोस्ट। इससे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स में एंगेजमेंट बढ़ेगा, प्लस जिस क्रिएटर के कॉन्टेंट पे आप कमेंट करोगे चांसेस आर ब्राइट कि वो भी आपके कॉन्टेंट के साथ एंगेज करेगा। आपको ये नहीं भूलना है कि Instagram इज अ कम्युनिटी। आपके फॉलोअर्स आपके जर्नी में इन्वेस्टेड रहेंगे जब वो रियलाइज करेंगे कि उनके थॉट्स और ओपिनियन मैटर करते हैं। इसलिए हमेशा अपने पोस्ट के कमेंट्स को रिप्लाई करो। आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट ऑन माय कंटेंट। इट विल जस्ट टेक हार्डली 10-15 मिनट्स ऑफ योर डे, बट आपके ऑडियंस के लिए ये बहुत मैटर करता है। आपने अपने ऑडियंस को रिप्लाई तो किया, बट देयर इज वन मोर थिंग जिससे आपका बॉन्ड आपके ऑडियंस के साथ और भी गहरा हो जाएगा। एंगेज रेगुलरली। पहले मैं सोचता था कि क्रिएटिंग स्टोरीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इससे डायरेक्टली फॉलोअर्स तो बढ़ते नहीं, बट आई वॉज रॉन्ग। आपकी इंस्टाग्राम कम्युनिटी को बनाने के लिए स्टोरीज का रोल बहुत क्रूशियल है। स्टोरीज को आप रॉ भी शेयर कर सकते हो, इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग एट ऑल। आइडियली डेली आपको 3-5 स्टोरीज को अपलोड करना है टू मेंटेन दैट बॉन्ड विथ योर ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, एज अ फोटोग्राफर अगर मुझे 5 स्टोरीज अपलोड करनी है तो मैं 2 स्टोरीज AM यानी मॉर्निंग में अपलोड करूंगा और 3 स्टोरीज PM यानी इवनिंग या नाइट में अपलोड करूंगा। इसमें 2-3 फोटोज तो मैं मेरे खुद के फोटोग्राफी रिलेटेड फोटोज डालता हूँ, समटाइम्स शेयरिंग रियल मोमेंट्स लाइक सनसेट, लंच और डिनर, और बाकी के 2 स्टोरीज इंटरेक्टिव रखता हूँ एज इन पोल्स, क्वेश्चंस, स्टिकर्स एक्सेट्रा, जिससे ऑडियंस मेरी स्टोरीज के साथ एंगेज कर सके। द मोर दे रिएक्ट विद योर स्टोरीज, उतना उनके फीड में आपका पोस्ट पहले दिखेगा, बिकॉज Instagram के एल्गोरिदम में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रो टिप, आप अपने अपकमिंग पोस्ट की हाइप क्रिएट कर सकते हो थ्रू स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी फ्रेश कराउजल पोस्ट अपलोड करने वाला होता हूँ, मैं ट्राई to put a story a day before hyping my upcoming series with the specific time and ask them to stay tuned. Isse aapki audience aapke content ke liye excited rahegi and they will engage with your content in the initial hour of uploading, which is very important from algorithm point of view. Mujhe stories ko upload karne ke liye hardly 10 minute lagta hai on a daily basis. Maine recently Sunday shoutouts ko announce kiya hai aur maine last Sunday ko 3 creators ko shoutout diya tha mere stories mein. To agar aapko shoutout chahiye next Sundays mein to comment below your Instagram username. Main koi bhi 3 account ko shoutout dunga मेरे स्टोरीज में जिसका भी काम मुझे पसंद है। अभी Instagram ने नए फीचर को लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट चैनल्स का, जिससे आप अपना एक्सक्लूसिव मैसेज, कंटेंट या BTS शेयर कर सकते हो आपकी कोर ऑडियंस के लिए। मैंने खुद ने मेरा नया ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है Instagram पे, एंड इट्स ऑल अबाउट Instagram प्रो टिप्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स एक्सेट्रा, और ये बिल्कुल फ्री है टू ज्वाइन। अगर आपको भी 2000+ की क्रिएटर कम्युनिटी को ज्वाइन करना हो तो मैंने मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फील फ्री टू ज्वाइन। आपने अपने ऑडियंस के साथ एंगेज तो कर लिया, बट अगर आपको जानना है कि आप जो भी अपलोड करते हो उससे आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है या नहीं, देन इट्स टाइम टू एनालाइज एंड इटरेट। अगर आपका क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट है तो Instagram आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड देती है। Instagram पे ग्रो करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस आपका कौन सा पोस्ट या रील पसंद करती है, और जिस भी कंटेंट पे एंगेजमेंट हाई है उसको रिपीट करो। मैं Instagram पे मेरा वीकली रिव्यू करता हूँ थ्रू Instagram इनसाइट्स। तो ये डेली नहीं करना है, वरना आप बस नंबर्स में उलझे रहोगे। चेक योर इनसाइट्स फॉर जस्ट 10 मिनट्स एवरी वीक। मैं यूज करता हूँ सिंपल पेन एंड पेपर, आप अपने फोन में नोट्स ऐप में भी लिख सकते हो। इसमें मैं पहले तो चेक करता हूँ मेरा फॉलोअर काउंट एंड आई कंपेयर
इट विद लास्ट वीक। सेकंड में अकाउंट्स रीच्ड में जाता हूँ और ऊपर लास्ट 7 days रखता हूँ। फिर मैं अगेन चेक करता हूँ मेरा परफॉर्मेंस इस वीक का लास्ट वीक के कंपैरिजन से, टू अंडरस्टैंड कौन से फॉर्मेट में कितना रीच मिला है और कहाँ पे स्कोप है टू इम्प्रूव। बट सबसे बेस्ट आपको स्क्रोल करके नीचे जाना है टॉप कंटेंट में, पोस्ट को पहले सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ इजिली देख सकता हूँ कि कौन सा कराउजल ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, तो मैं ट्राई करूंगा मेरे नेक्स्ट वीक में वैसे ही कराउजल को रेप्लीकेट करो। उसके बाद रील्स में जाओ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वीक में कौन सी रील्स ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, एंड रेप्लीकेट दैट इन द अपकमिंग वीक। दैट्स इट। इसको लगता है खाली 10 मिनट, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय वीकली रिव्यू, और मेरे अकाउंट में ये नाइट एंड डे का डिफरेंस लाता है। द मेन पॉइंट हियर इज कि आपको चेक करना है कि विच कंटेंट वर्क्ड लास्ट वीक एंड जस्ट रेप्लीकेट दैट इन द कमिंग वीक। अब इन सारे सिंपल येट इफेक्टिव 10 मिनट्स ग्रोथ हैक्स को जरूर इंप्लीमेंट करना, बिकॉज इट्स वर्थ अ शॉट। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करो 10 मिनट्स ग्रोथ हैक्स, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। आपने इन 10 मिनट्स ग्रोथ हैक्स को तो सीख लिया, बट इंस्टाग्राम पे आपको स्टैंड आउट करना हो स्पेशली थ्रू रील्स, तो आपको क्रिएटिव और सिनेमैटिक रील्स को अपलोड करना होगा। मैंने इस वीडियो में 4 क्रिएटिव रील्स को एडिट किया है यूजिंग फ्री ऐप VN वीडियो एडिटर। क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।